हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। फिजिकल मीनिंग से मतलब कि हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको क्या बताता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम, है ना, हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल कब कहते हैं, किस बेसिस पर हम उसका मेजरमेंट करते हैं, है ना। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब अब हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, है ना। तो यहाँ समझे जो ऐसे कि हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर है जो उसमें हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई चार्ज है, चार्ज ने यहाँ पर क्या बना के रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। ओके, अब यहाँ जो जैसे हमारे पास कोई पॉइंट ए है, हम किसी चार्ज को, ठीक है, या यूनिट चार्ज बोल देते हैं या वन कूलम चार्ज, हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से, मतलब इंफिनिटी से हम किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो हम किसी चार्ज को जो पॉइंट ए तक ले आएंगे या ए पर रखेंगे, तो उस ए पर रखने पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्या लगेगा, एक पोटेंशियल, सॉरी, एक फोर्स लगेगा, है ना। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर, अब अगर चार्ज पर फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली जो अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें वहां पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। और वर्क करना पड़ेगा तो फिर उस चार्ज में क्या भी स्टोर हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ना। तो ये हमने देखा था यहाँ पर कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को यहाँ पर, है ना, पॉइंट बी पर ले आते हैं, तो पॉइंट बी पर लाने पर भी उस पर एक फोर्स आ जाएगा, एक वर्क करना पड़ेगा और एक एनर्जी उसमें कंज्यूम होगी। तो यहाँ जो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको क्या बताता है कि चार्ज को कैरी करने पर, वन कूलम चार्ज या यूनिट चार्ज को अगर हम ए पर या बी पर या किसी भी पॉइंट पर ले आते हैं या किसी लोकेशन पर ले आते हैं, तो उस लोकेशन पर, ठीक उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको क्या बताता है, जो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट की लोकेशन की प्रॉपर्टीज बताता है, और किस बात की प्रॉपर्टी हमें, वो ये बताता है कि उस पॉइंट पर, ठीक है, चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ये हमने इसके फिजिकल मीनिंग में समझा था। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, है ना। तो हमें यहाँ पर एग्जांपल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कितना है। तो अभी हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या बताता है कि उस पॉइंट पर चार्ज को रखने पर कितना, लाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा या उसमें कितनी एनर्जी आएगी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर, ठीक है, एक वन कूलम चार्ज को, ठीक है ना, हम वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक कैरी करेंगे, वहां तक लाएंगे। तो वहां तक लाने में जो वर्क होगा, वन कूलम चार्ज बोल दो या यूनिट चार्ज जो, है ना, कैसे चार्ज की बात कर रहे हैं हम, वन कूलम चार्ज या यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो ऐसे चार्ज को हम वहां पर कैरी करेंगे, तो वहां उस चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, वही वर्क, ठीक है, पॉइंट ए पर क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। मतलब न्यूमेरिकली भी जो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, न्यूमेरिकली पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, सॉरी, है ना, वर्क के बराबर होगा। मतलब किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होगा, तो यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से या वन कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क के बराबर होगा, है ना। तो ये पहली टेक्निक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने की, हम क्या करेंगे, अगर हमें पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है तो हम वन कूलम चार्ज को इन बाहर से उस पॉइंट तक ले आएंगे और वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो वही वर्क हमारा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर, है ना। तो यहाँ पर जो उसकी फर्स्ट डेफिनेशन तो ये बन जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग, वही लिख रहे हैं जो हमने समझा है, इन ब्रिंगिंग द, ठीक है, यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज से मतलब वन कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम
ठीक है, कहां से लेकर आना है उसको, इंफिनिटी टू डेट पॉइंट, ठीक है ना। क्या लिखा हमने, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट वर्क विच डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज या वन कूलम चार्ज लिख सकते हो फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। ये एक वीडियो, अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट डेफिनेशन तरीका ये हुआ उसका। अब यहाँ जो हमें ये पता है कि ये जो वन कूलम चार्ज है ना, हम वन कूलम चार्ज के बारे में जानते हैं, जो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में। तो वन कूलम चार्ज को जो कैसा चार्ज माना जाता है, इमेजिनरी चार्ज, है ना। क्यों इमेजिनरी बात करते हैं हम कि इमेजिनरी चार्ज है, क्योंकि वन कूलम चार्ज जो, जैसे हमने कहा कि हम वन कूलम चार्ज यहाँ ला रहे हैं, तो वन कूलम चार्ज जो एक चार्ज का एक ह्यूज अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है चार्ज का। तो इस तरीके जो हम किसी बॉडी पर वन कूलम चार्ज इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ठीक है, हमें उसे कई साल या कई समय लग जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन से भी समझा था उसको कि इलेक्ट्रिक अगर किसी कंडक्टर से 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड क्या होते हैं उससे निकलते हैं, तो उस पर वन कूलम पॉजिटिव चार्ज आने में कितने हंड्रेड कितने ईयर्स लग जाएंगे, क्यों 200 ईयर्स लग जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हमने प्रूफ किया है क्वेश्चन में उधर, तो आप उसे है ना फील कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि वन कूलम चार्ज कैसा चार्ज होगा। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वन कूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो ये एक इमेजिनरी बात होगी बिल्कुल, ठीक है। हमारे लिए वन कूलम चार्ज को इतनी जल्दी प्रोड्यूस करके वहां लाना पॉसिबल नहीं है। तो इन प्रैक्टिस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये टेक्निक यूज नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि 11 कूलम चार्ज हमारे लिए प्रोड्यूस करना किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंस्टेंटली यूनिक्विलिब्रियम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखें, ठीक है, फिर हम उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए जो मतलब, ठीक है, डिफरेंस समझना पे यहाँ पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, तो हम वन कूलम चार्ज को नहीं ला सकते, तो फिर हम यहाँ पर किसको कैरी करते हैं, लो मैग्नीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, या सिर्फ टेस्ट चार्ज को लिख दिया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम वन कूलम चार्ज तो नहीं कैरी कर सकते, तो फिर हम वन कूलम चार्ज के बदले, ठीक है, लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाते हैं, और उसको वहां तक लाने में हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, ओके। और वह वर्क में हम डिवाइड कर देंगे जो किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से, तो वही रेशियो जो है हमारे पास उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ देखिए जो कि लो मैग्नीट्यूड हमने कहा टेस्ट चार्ज, टेस्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात होती है, हम टेस्ट चार्ज के पहले भी पढ़ चुके किसको बोला जाता है। तो लो मैग्नीट्यूड से मतलब कि जो चार्ज हम कैरी कर रहे हैं, इस चार्ज की वैल्यू इतनी कम हो, ठीक है, इतना लो मैग्नीट्यूड हो कि वो पॉइंट ए के पोटेंशियल को अफेक्ट ना कर सके। मतलब ये चार्ज जो है तो इलेक्ट्रिक है ना, ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी जनरेट करेगा, तो फिर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना कम होना चाहिए कि इसकी वैल्यू इतनी कम हो कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है उसको अफेक्ट ना कर सके, है ना। तो लो से हमारा मीनिंग ये रहेगा, ठीक है। मतलब क्या बात है ध्यान देने वाली, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम यूनिट चार्ज को, ठीक है, ले आते हैं, मतलब लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज को हम ले आए वहां पे, तो लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज, इसका रेशियो जो, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, ये हमको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम वन कूलम चार्ज को वहां लाएंगे या लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज को वहां लाएंगे, और ठीक है ना, तो उसके जो रेशियो रहेगा दोनों का, फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, ये हमें क्या बताता है वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, की वैल्यू बताता है, ओके, ये वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर कि अगर हम इसी चार्ज को लाने में, मतलब दोनों में डिफरेंस समझना, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में अभी तक इंटेंसिटी की बात करते आए, तो इंटेंसिटी मतलब फोर्स की बात करते हैं, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इंटेंसिटी, और अगर हम उसी चार्ज को वहां तक लाने में, है ना, क्या कैलकुलेट कर ले, वर्क कैलकुलेट कर ले, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क कैलकुलेट कर ले, तो वो उस पॉइंट पर क्या बताता है हमको,
पोटेंशियल बताता है ना, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि अगर हम यूनिट चार्ज को, वन कूलम चार्ज को ले आ रहे हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, तो वहां तक लाने में अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो फोर्स हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, और अगर हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही वर्क हमारा वहां पर क्या कहलाता है? पोटेंशियल। मतलब ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? यहां से मतलब लिंक भी समझ में आ गई हमको कि फर्स्ट चैप्टर में हम सिर्फ फोर्स की बात करते आए हैं, है ना, फोर्स का डिस्कशन करते आए। नेक्स्ट इसमें हम किसका डिस्कशन करेंगे? वर्क का, एनर्जी का। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर आने वाली एनर्जी या उसको वहां तक लाने में किया गया वर्क, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो ये जो तो हमको क्या समझ में आया? अब ये फॉर्मूला कैसे बना जो कि हम लो मैग्नेट्यूड टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से तक लाते हैं, फिर उसमें मैग्नेट्यूड से डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना? ठीक है, अगर आप ये समझना चाहते हो कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना है, तो इसके लिए जो आप है ना लेक्चर चैप्टर नंबर वन का, ठीक है, कौन सा वीडियो देख लेना, जिसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताया है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे बना, उसका फॉर्मूला ये ऐसे बना, तो वो देखो जो आपको ये समझ में आया कि इस तरह से फॉर्मूला क्यों बना है, है ना। तो हम यहाँ भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे बना है उस पर हमारा टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग तो यही है ना, हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस तरह से हमको वहां पर क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैथ है ना, हम प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंटली इस मेथड से ही मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज है ना रखना पॉसिबल है। ठीक है, हम इस चार्ज को वहां पर ला सकते हैं जो किसके बदले? वन कूलम चार्ज के बदले, ये एक इमेजिनरी चार्ज है। तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या निकल कर आया, उसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? ये वाली वैल्यू है ना। तो क्या हो जाएगा सेकेंड कंडीशन, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना आप किसके बराबर होगा, मतलब हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम ठीक है डेफिनेशन किस वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट है ना, सेम ऐसे लिख सकते हैं, एट ए पॉइंट इन ए, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द, इसी को वर्ड में लिखना है जो, ये क्या है हमारे पास लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क है ना, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ओके वर्क डन इन ब्रिंगिंग है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए लो मैग्नीट्यूड, ठीक है, लो मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात होती है ना, हम जनरली टेस्ट चार्ज लिख के देते हैं, लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग द लो मैग्नीट्यूड, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, टू द है ना, किस किस का रेशियो? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओके, ये है ना। तो हम इस वाले वैल्यू से, इस तरह इस वाले फॉर्मूले से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो इसे हम वर्ड में लिख दें अभी, तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ठीक है, इसी को हम फॉर्मूला बना के लिख रहे हैं, मतलब ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए, ठीक है, वर्क डन ब्रिंगिंग ए लो मैग्नीट्यूड, ठीक है, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, है ना, उसी को जो हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ठीक है, इसी को वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए लो मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट अपॉन में, है ना, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड
ऑफ चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डैश चार्ज है ना, डैश चार्ज से मीनिंग में हमारा पॉजिटिव डैश चार्ज रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखिए चलिएगा। फिर यहाँ पर ठीक है, अब हम क्या मान लें, इफ द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पैस चार्ज, ठीक है, पैस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डब्ल्यू इंफिनिटी टू ए है ना, मतलब हमने ऐसा मान लिया अभी तो यहाँ पर कि हम किसी पैस चार्ज क्यू नॉट को इंफिनिटी से पॉइंट ए तक ला रहे हैं जिसमें वर्क है इतना है ना। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्या बन जाएगा, कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से डिनोट कर दिया हमने, या वी ए से बता सकते ना, और इक्वल टू होगा वर्क का हमने क्या माना है इंफिनिटी टू ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट है, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना। तो अब ध्यान देना पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है हमको, मेजर ऑफ वर्क, ठीक है, किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पर वहां पर उसको वहां तक लाने में, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ होगा वो वर्क हमारा पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ठीक है, दोनों में देखना है डिफरेंस क्या है, इंटेंसिटी क्या बताती है, अगर हम एक यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पर जो फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो वो इंटेंसिटी कहलाएगा। तो ये इंटेंसिटी भी जो हमको क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बताती है। तो इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर है ना, क्योंकि ये फोर्स बता रही, फोर्स है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना वहां पे कि यार नया कुछ नाम सुन रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मींस वर्क इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ओके, मतलब सिंपल सा ये ध्यान रखिए, पोटेंशियल मतलब वर्क से रिलेटेड है ना, किसी पॉइंट पर कितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को लाने पे, तो वो वर्क को हम उस पॉइंट पर पोटेंशियल कह देते हैं, ओके, है ना, ये हम समझ चुके हैं। तो पोटेंशियल जो क्या है, है ना, यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है, तो वो वेक्टर हो गई है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो हो गया उसका फॉर्म, ठीक है, हमने वर्क को इससे डिनोट किया है, टेस्ट चार्ज को इससे डिनोट किया है, इसका जनरल फॉर्म याद रखिएगा क्यों, है ना, जनरल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल का वर्क अपॉन चार्ज है ना, ये ठीक है, क्या है उसका जनरल फॉर्म, वर्क अपॉन चार्ज, ये रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ओके। फिर हमने अभी क्या बोला, नोट में वो भी लिख दे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके, स्केलर क्वांटिटी है, और इसे जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, है ना, इसका सिंबल V है, ओके। तो ये था जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आई लव पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे आप, वर्क अपॉन चार्ज वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे हम, वर्क अपॉन चार्ज, ओके, चलिए, है ना। तो ये रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर आएगी इसकी यूनिट है ना, और ऐसा सिस्टम है, सीरीज सिस्टम है, तो हम उसकी यूनिट देखते हैं ना, इतना नोट कीजिए। चलिए ना, अब हम उसकी यूनिट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, है ना, तो एसआई यूनिट का फॉर्मूला से बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनको वी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला उसका डब्ल्यू इंफिनिटी टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। तो इससे जो यूनिट क्या बन जाएगी, वर्क की एसआई यूनिट जूल, है ना, अपॉन में चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब, ओके। तो ये हमारे पास यूनिट होगी, है ना, लेकिन मोस्टली जो हम उसकी जूल पर कूलम्ब यूनिट यूज नहीं करते,
इसकी हम यूनिट ज्यादातर कौन सी यूज करते हैं, वोल्ट। मतलब एसआई सिस्टम में हम उसकी यूनिट क्या बोलकर चलेंगे, मैक्सिमम टाइम जो वोल्ट कहकर चलेंगे, है ना। जूल पर सेकंड गुलाम भी होती है लेकिन हम वोल्ट ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो ये होगी उसकी यूनिट, एसआई यूनिट। अब हम यहां से जो डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट कितना, ठीक है ना। जैसे हमने यूनिट पढ़ तो ली कि वोल्ट होता है, अब हमने कहा कि 1 वोल्ट कितना होगा, ठीक है ना। जैसे हमारे दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए बच्चों, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कहता हूँ बच्चों कि 1 मीटर लेंथ कितनी होगी। अब 1 मीटर लेंथ हमने देखी है बच्चों, तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाएगी कि 1 मीटर लगभग इतनी बड़ी आएगी, है ना। जैसे मैं 1 मीटर बोलता हूँ आपके दिमाग में इंडिकेशन हो जाएगा 1 मीटर मतलब इतनी बड़ी लेंथ की हम बात कर रहे हैं, अंदाजा हमको हो जाएगा। लेकिन अब अगर बच्चों मैं कहूँ कि 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो हम 1 वोल्ट पोटेंशियल को क्या फील कर पा रहे हैं, है ना। मतलब फील करने के लिए उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम समझेंगे। जैसे 1 मीटर में कह दूं तो 1 मीटर हमको फील हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा लगभग इतनी लंबाई आएगी। इसी तरह मैं बोलता हूँ कि 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट थोड़ा सा फील हो जाए, रियलाइज हो जाए कि एक्चुअल में 1 वोल्ट मतलब कितना पोटेंशियल, तो उसके लिए अब हम डेफिनेशन देंगे 1 वोल्ट की, है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं 1 वोल्ट को, ठीक है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ देखो सबकी वैल्यू 1 वोल्ट ले रही है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है ना, अपॉन में 1 कूलम, ठीक है ना, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। तो बस इसी के बेस पर हम उसको डिफाइन कर देंगे। 1 जूल क्या था, 1 कूलम क्या था, ठीक है, जिस चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और जूल क्या है, है ना, किया गया वर्क, ठीक है, वर्क डन। तो 1 कूलम चार्ज को ठीक है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में अगर हमें 1 जूल वर्क होता है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम 1 कूलम चार्ज को, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाते हैं, और पॉइंट ए तक लाने में हमको यहाँ पर वर्क 1 जूल करना पड़ा, ओके। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क ही, ठीक है, तो हमारा वहां क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारा वहां क्या कहलाएगा, 1 जूल, ठीक, सॉरी पोटेंशियल वहां क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट, ओके। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल मतलब 1 कूलम पर कितना वर्क, 1 जूल, ओके। 1 कूलम चार्ज पर 1 जूल वर्क होगा तो पोटेंशियल कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट। अब यहां जो मैं बोलता हूँ कि 1 वोल्ट बहुत बड़ा अमाउंट है वोल्टेज का, पोटेंशियल का, कि छोटा है ना, मतलब थोड़ा सा फील आने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझो जो, अगर मैं आपको बोलता हूँ जो कि 1 मीटर लेंथ बहुत बड़ी है या बहुत छोटी, तो हम कहेंगे ना तो बहुत बड़ी है, 1 मीटर लगभग, है ना, इतनी बड़ी के आसपास आएगी। अगर मैं बोलता हूँ जो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमारे दिमाग में इमेज बन जाएगी कि छोटी सी दूरी होगी, छोटी सी डिस्टेंस होगी, है ना, ये 1 सेंटीमीटर। इसी तरह जो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो कि 1 वोल्ट हमने डेफिनेशन भी लिख दी, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं हम फिर डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन से क्या बन जाएगी उसकी यहाँ पर, ठीक है ना, क्या बनेगी डेफिनेशन, ये इफ, ठीक है, 1 जूल, ठीक है, वर्क इज डन इन रिंगिंग, ठीक है, इन रिंगिंग द 1 कूलम चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है। इफ 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, देन, ठीक है, एट दैट पॉइंट पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल, है ना, क्या लिखा हमने, 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द 1 कूलम चार्ज
from infinity to a point, then at that point potential is called 1 volt, है ना, ये definition हमारी आ गई। अब थोड़ा सा जो हम है ना एक्स्ट्रा कुछ चीज डिस्कस कर रहे हैं कि 1 volt बहुत बड़ा अमाउंट है पोटेंशियल का कि छोटा सा, थोड़ा सा फील हो जाए जो रियलाइज हो जाए, इसलिए ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर लेंथ कितनी बड़ी है, वो ज्यादा बड़ी कि वो छोटी, तो आपके दिमाग में है ना हाईलाइट हो जाएगा क्योंकि वो इतनी छोटी सी डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं किलोमीटर का हूँ तो आप बोलेंगे कि हाँ बहुत बड़ी डिस्टेंस है किलोमीटर, ओके, ठीक है ना। तो इसी तरह जो मैं अगर आपको कहूँ कि 1 वोल्ट पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, तो फिर क्या फील कर पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं, बहुत छोटा होगा कि बहुत बड़ा होगा, ओके। तो देखना क्या कहा हमने, 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है ना, 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल। अब 1 जूल जो कितनी बड़ी एनर्जी होती है, कितना ज्यादा वर्क होगा, हमने फील ये तो 10 हमने 11 क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना, कि 1 जूल वर्क कितने बड़े वर्क को कहा जाएगा। तो 1 जूल वर्क जो हम बहुत ही छोटा वर्क है हमारे लिए मैकेनिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। जैसे 1 जूल कितने को कहेंगे कि अगर हम है ना 100 ग्राम के वेट को उठाकर, ठीक है ना, मतलब ऐसे कह दो 100 ग्राम वेट वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, हम उठाकर 1 मीटर तक ऊपर डिस्प्लेस कर दे, हमने हमने हाथ में ऐसा लिया 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट, उसे उठाकर ऐसे उतनी ऊपर लेके चले गए 1 मीटर, तो हमारी जो एनर्जी यूज हो गई होगी, एनर्जी जो कंज्यूम हो गई होगी, खर्च हो गई होगी, वो एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, 1 जूल कहलाती है। तो आप ही फील करो तो क्या आप 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को इतने से इतनी ऊपर ले जाने में आपकी कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, बहुत ही कम एनर्जी हमारी खर्च होगी, है ना, नेगलिजिबल अमाउंट, फील भी नहीं होगा। तो आप सोचो जो कि हमें 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में, मतलब बहुत बड़े चार्ज को लाने में हमें छोटा सा वर्क करना पड़ रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज बड़ा चार्ज है ना, और 1 जूल छोटी सी एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो इस तरह से ये छोटा अमाउंट है, मतलब रिलेटिव होता है जो वोल्ट जो है वो रिलेटिव है, फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर हमारे दिमाग में इमेज बन जाए कि 1 वोल्ट बहुत बड़ा या बहुत छोटा, तो ये ठीक है 1 वोल्ट एक स्मॉल वैल्यू है पोटेंशियल की, ठीक है ना, कम वैल्यू है, मतलब वोल्ट जो है वोल्ट कम वर्क को बताएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है ना, ओके। 1 वोल्ट मतलब छोटा सा अमाउंट होगा वर्क का, ठीक है, छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क होगा, ठीक है। तो ये आगे पे हमारे पास उसकी डेफिनेशन भी हमने समझ ली, थोड़ा सा फील करने के लिए एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है। अब ऐसा ही सिस्टम है जो हम यहाँ पर ओके उसको और फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास वोल्ट है ना, किसके फॉर्म में था, जूल ओके पर कूलम्ब के फॉर्म में था, जूल पर कूलम्ब, तो इसको हम फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में बदल दे, है ना, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जैसे जूल को है ना फंडामेंटल से मतलब मीटर सेकेंड इसके फॉर्म में बदलने की बात कर रहे हैं, तो जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, है ना। तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो वर्क की यूनिट और क्या बन जाएगी, फोर्स की यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, फिर कूलम्ब को, कूलम्ब किसकी यूनिट है, चार्ज की, और है ना चार्ज को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम के फॉर्म में, तो यहाँ पर कूलम्ब हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। अब न्यूटन को हम और कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो फोर्स का एक और फॉर्मूला हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो न्यूटन को और क्या लिखा जा सकता है इस फॉर्म के, इसको न्यूटन लिखेंगे, इसको केजी और मीटर पर सेकेंड इसके, तो न्यूटन को और क्या लिखा जा सकता है, केजी है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और इंटू में एम है ना, फिर यहाँ पर अपॉन में आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। अब वो एक मल्टीप्लाई सब करके लिख दो, केजी मीटर स्क्वायर ओके ना एम्पियर, और ये सेकेंड स्क्वायर का अपॉन में आ जाएगा सेकेंड की पावर क्यूब हो जाएगी, है ना, ये तो हमारे पास उसकी ये तीसरी यूनिट होगी, कितनी यूनिट आ गई हमारे पास,
तीन यूनिट आ गई जो एसआई सिस्टम में, एक हो गई वोल्ट, दूसरी हो गई जूल पर कूलम, और ये उसकी थर्ड यूनिट है ना, एसआई सिस्टम में थर्ड यूनिट, ये दो वोल्ट और जूल पर कूलम, और तीसरी है ये फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर ओके अगला आएगा हमारे पास यूनिट, ठीक है ना, इन एसआई सिस्टम और सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, पहले दो यूनिट हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, सीजीएस सिस्टम में हम दो यूनिट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट मतलब हमारा चार्ज स्टेट स्टैटिक हो तो इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट यूज की जाएगी है ना, ईएसयू जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो क्या बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी के फॉर्म में जो जूल की सीजीएस यूनिट, वर्ग की सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग ओके अपॉन में है ना, ठीक है, इससे मतलब सीजीएस यूनिट क्या बन जाएगी, इससे वर्ग की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग और स्टेट कूलम है ना, चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम ओके। फिर इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट है ना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट जिसे हम ईएमयू लिखते हैं शॉर्ट में, तो ईएमयू क्या हो जाएगा हमारे पास, अर्ग अपॉन में स्टेट सॉरी है ना, क्या लिखते हैं हम एयर कूलम ओके, ये हो गई उसकी यूनिट, ठीक है ना। तो ये आ गई तो सीजीएस सिस्टम में दो यूनिट हम यूज करेंगे, अगर चार्ज रेस्ट हो स्टेबल हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज की जाती है, और अगर मूविंग कंडीशन में हो तो ये वाली यूनिट यूज की जाती है ना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये होगी क्यों, फिर इसमें रिलेशन हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स, ठीक है, तीनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द यूनिट एसआई और सीजीएस यूनिट में है ना। तो यहाँ पर जो यूनिट में रिलेशन क्या आ जाएगा, वन वोल्ट ओके, वन वोल्ट हमारा बराबर होता है वन अपॉन 300 स्टेट वोल्ट ओके, और 10^8 एट वोल्ट ओके, ये रहेगा फिर रिलेशन तीनों में ओके, है ना। मतलब वन वोल्ट किसके बराबर, वन अपॉन 300 स्टेट वोल्ट और 10^8 ए वोल्ट के, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सबसे बड़ी यूनिट कौन है यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो ज्यादा पोटेंशियल को मेजर करती है वो वाली यूनिट कौन सी है, जैसे सेंटीमीटर में क्या पूछना चाहो, जैसे सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर ऐसा, तो तीनों ही यूनिट है लेकिन बड़ी लेंथ को मेजर कौन करती है, किलोमीटर बड़ी लेंथ को बताती है, मीटर है ना छोटी को और सेंटीमीटर बहुत छोटी को, ऐसा। तो मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ वोल्ट में स्टेट वोल्ट में और ए वोल्ट में है ना ज्यादा पोटेंशियल कौन बताता है, बड़ी यूनिट कौन सी है जो बड़े पोटेंशियल को बताती है, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर करके देख लो, या थोड़ा सा इससे हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक स्टेप आगे और बढ़ा दो बच्चों, है ना, 300 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 300 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 300 वोल्ट, ये वन स्टेट वोल्ट है ना, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 300 वोल्ट, ये 300 कैंसिल वन स्टेट वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 3^10 ए वोल्ट, आगे ना कितने रुपये वो कैसे आया यहाँ पर, ठीक है ना, कैसे आया, ठीक है, 3 × 10^8 ओके ना, मतलब ये 300 × 10^8 इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10^8 तो ये हो जाएगा क्यों कितना ऐसा है ना, तो यहाँ से ऐसा है हमारे पास, ठीक है, तो 300 वोल्ट ओके, ये आगे इन तीनों में रिलेशन। तो सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर कौन सी है, वन स्टेट वोल्ट, वन स्टेट वोल्ट मतलब किसके बराबर, 300 वोल्ट अगर मिलेंगे तो वन स्टेट वोल्ट के बराबर होगी, और 3 × 10^10 ए वोल्ट मिलेंगे तो वन स्टेट, मतलब सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर स्टेट वोल्ट है और उससे छोटी वोल्ट, और सबसे छोटी यहाँ पर कौन सी यूनिट है, ए वोल्ट है ना, ए वोल्ट यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है ना।
तो अब देखो तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम याद रख ले यहाँ पर, ठीक है ना। ये जैसे हमको पता है तो यहाँ देखना वन स्टेट वोल्ट, ठीक है, थ्री इंटू टेन सी पावर टेन एयर वोल्ट, ठीक है ना, ये हमको पता है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, ये एक्स्ट्रा चीज है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो हमारी होती है एसआई सिस्टम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है किसमें, एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में ऐसा स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना ये, ओके। तो ये जो 3 × 10 है, 3 × 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी, ठीक है ना। 3 × 10 मतलब कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। तो यहां पर वन स्ट्रेट वोल्ट किसके बराबर होगा, सी एब वोल्ट, मतलब ये, ठीक है, हमारे एक्नॉलेजमेंट के लिए तो एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है ना, चलो ओके। फिर एक चीज और आ जाएगी यहाँ पर, क्या लिख दो, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। यूनिट हमने देख ली एसआई सिस्टम में और सब, फिर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूनिट से निकालते हैं, तो हमने आता है हमको, तो इस यूनिट से निकालो, जूल मतलब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे निकालो, या फिर ये फंडामेंटल यूनिट वाली यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दो तरीके हैं आपके पास निकालने के, ठीक है, जैसे फॉर्मूले से पहले अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो फॉर्मूला है पोटेंशियल का वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी रेस टू द पावर माइनस टू, है ना, और अपॉन में चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी, इससे भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, जो एम एल स्क्वायर टी रेस टू द पावर, ये ऊपर आकर हो जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्ट, है ना, ये हो जाएगा। फिर इससे भी निकाल सकते हो ऐसे, है ना, या फिर ये वाले से भी, इस यूनिट से भी आप निकाल सकते थे, के जी इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या लिखते, डायरेक्ट देखो अगर आप इसको लिखते हो, ठीक है, इस यूनिट से अगर आप निकालते दोनों, इसको मैं रब कर देता हूँ तो आप उससे निकाल लेना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिंस एसआई यूनिट, है ना। तो एसआई यूनिट ये वाली यूज कर लेते हैं हम, के जी मीटर स्क्वायर, है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। तो अगर आप इससे निकाल देते हो तो भी यूनिट वही आती है, क्या क्या आती, चलो मैं इससे निकाल के एक से बता देता हूँ। के जी को आप क्या लिखते हैं, एम, एम को क्या लिखते हो आप, एल स्क्वायर, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ के लिए है, एल स्क्वायर हो जाता, अपॉन में क्या है, एस, एस मतलब टाइम के लिए है, टाइम ऊपर आता तो यहाँ पर पावर हो जाती माइनस थ्री, एम्पियर की पावर हो जाती माइनस वन, है ना। किसी से भी निकाल सकते हैं आपको, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालना इससे निकाल लो, या यूनिट से निकालना इससे निकालना, है ना। तो ये रहेगा हमारे पास वर्क का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी यूनिट और उसका फॉर्मूला, है ना, चलिए ओके।